मॉम्स फूड डायरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे टैप करें ताकि आपको लेटेस्ट रेसिपी की पूरी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत और इस्तकबाल है मॉम्स फूड डायरी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक स्नैक यानी कि बिस्किट की रेसिपी, जिसमें हमने ना ओवन यूज़ किया है ना बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। ये गेहूँ के आटे के बनी बिस्किट की रेसिपी है, ये सख्त बनते हैं। तो आपकी इसकी पूरी रेसिपी मैं आपको बताने वाला हूँ विधि के साथ, तो पूरी रेसिपी कंप्लीट देखिएगा इस बिस्किट की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमको लगा है जो हमने गुड़ लिया है, इसमें तकरीबन 200 ग्राम हमने गुड़ लिया है, उसमें एक स्पून कार्डामम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर लगेगा और जो घी है 150 ग्राम इसमें घी लगेगा। तो ये तीनों चीज़ें जो होते हैं बेसिकली, हम इसको मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। तो आपको मैं पूरी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। तो पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो तीन इंग्रेडिएंट्स है, कार्डामम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर, घी और गुड़ को हमने मिक्स करके ऐसे पेस्ट बना लिया है। और ये है हमारे काजू, हमने कुछ काजू को कट करके रखे हैं ताकि हमको लास्ट में एंड में उसको हम लगा सकें। तो ये हमारी पूरी रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स, और तो उसमें थोड़े इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, मैं आपको बताता हूँ उसमें और क्या लगता है। तब तक ये जो है हमने तीन चीज़ों का पेस्ट बना लिया है, इसको अच्छी तरीके से थरोली हमने पेस्ट बना लिया है इसका, जो कि ये घी गुड़ और कार्डामम पाउडर का। तो उसको हमने मिक्स कर लिया है इस तरीके से, वो पूरा बन चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो आटा है। आटे में क्या क्या लगता है मैं आपको बताता हूँ। अभी जो हमने लिया है पूरा, हमको इसको थरोली ऐसे मिक्स करना है पेस्ट को। सिर्फ ये तीन चीज़ें का मिक्सचर है, घी गुड़ और कार्डामम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर का। तो हमने पूरा मिक्स कर लिया, ये हमारा पूरा आटा है। इसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें गेहूं का आटा 150 ग्राम लिया है, बेसन यानी कि ग्राम फ्लर 100 ग्राम लिया है, रवा यानी कि सेमोलिना जो 3 टेबलस्पून रवा डाला है हमने, और मैदा सिर्फ 50 ग्राम डाला है इसमें। तो सिर्फ मैदा 50 ग्राम है इसमें, बाकी सभी व्हीट फ्लार यानी कि गेहूँ का आटा 150 ग्राम, जैसे मैंने आपको बताया। आपकी पूरी इसकी पूरी रेसिपी और इंग्रीडियंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा आटा है, इसमें सिर्फ 50 ग्राम मैदा है। तो हम ये पूरा आटा जो है हमारे पेस्ट जो हमने बना लिया था गुड़ घी और कार्डमम पाउडर का, उसमें हमने मिक्स कर लिया, और इसको हम पूरी तरीके से जो आटे को उस पेस्ट में डाल के मिक्स करते जाएंगे। हम उसको हाथ से गूंद लेंगे, हमको पूरा अभी डफ जो होता है पूरे जो बिस्किट्स के बेस होता है, तो हम उसको ऐसे गूंदते जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अगर आपको लगता है अगर थोड़ा और गूंदना है तो और उसको और गूंदिएगा। तो पूरा हम गूंद गूंद के उसको हम पूरा तरीके से उसको अच्छी तरीके से गूंद लेंगे और इस तरीके से उसके गोले बनाएंगे छोटे से, ताकि ये हमारा बेसिकली ये बिस्किट के आकार वाले होंगे, या तो आप थोड़े बड़े भी बना सकते हैं आपके हिसाब से। हमने इस तरीके से उसे बना लिया है और उसको हम बना के अलग रखते जाएंगे। दोस्तों, इस रेसिपी में जो ये जो बिस्किट बनते हैं ये सख्त बनते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये गेहूँ के आटे के हमने बनाए हैं। इसमें ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि इसमें सिर्फ 50 ग्राम मैदा है और बाकी सब पूरे गेहूँ के आटे और चने के आटे हैं। तो हम इस तरीके से इसको, ये देखिए हमारे आखिरी बिस्किट बन रहा है अभी, हम उसको इस तरीके से उसको गोल लिया था पहले और उसको इस आकार में बना के हमने रख लिया है। और हम क्या करेंगे, इस बिस्किट के जो हमने बनाए हैं इसमें कट कर लेंगे, जैसे अगर आप चाकू से भी कर सकते हैं या आपके पास स्पून है तो हम उसको ऐसे कट लगा लेंगे इसमें, ताकि ये दिखने में अच्छे लगते हैं। और साथ ही साथ हमको, और अब हम क्या करेंगे, जो हम उसमें कट में जो हमारे कैश्यू नट्स हैं यानी कि जो काजू हैं की पीसीस, हम उसको लगाते जाएंगे। ये हमारे बिल्कुल ही बिस्किट तैयार हैं बेक करने के लिए, यानी कि हमने यहाँ पे ओवन नहीं यूज़ किया है, हम प्रेशर कुकर में इसको बनाएंगे। इसमें ना बेकिंग पाउडर है, तो हम क्या करेंगे, जो कुकर का वेसल होता है उसमें हम घी लगा लेंगे नीचे बेस में, उसके पूरा अच्छी तरीके से घी पूरा लगा लेंगे, जो हमारा वेसल होता है जिसमें हम रखेंगे जो हमारे बिस्किट रखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक एक करके थोड़ा अलग डिस्टेंस रख के उसको रखते जाएंगे, थोड़ा अलग अलग डिस्टेंस रखेंगे उसमें और उसको पूरे बिस्किटों को उसमें रखते जाएंगे। ये देखिए हमारे तैयार हैं बिस्किट बेक होने के लिए। तो हमने क्या किया, एक कुकर गर्म किया है, कुकर में हमने पूरा नमक डाला है, जो सॉल्ट होता है हमने नमक पूरा इसमें डाला है, और उसको कुकर के बेस में उसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे और उसको बहुत हीट कर लेंगे। हीट करने के बाद ही वो वेसल रखेंगे, हम चेक कर लेंगे कि हीट हुआ या नहीं, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, जो हमारा बिस्किट का वेसल है वो रखेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा स्टैंड रख लेंगे नीचे, और उसके ऊपर जो हमारा बिस्किट का बर्तन है वो रख लेंगे, और हम कुकर लगा के उसको 15 मिनट तक उसको बिना सीटी लगाए कुकर को पकाएंगे। तो ये देखिए हमने एक बार कर लिया है, ये पके नहीं है अभी, तो अगर आप चेक कीजिएगा उसके बाद अगर 5 मिनट और पकाइए। ये देखिए यहाँ पे हमारे बिस्किट बिल्कुल ही तैयार हैं, हमने टोटल 15 मिनट पकाना है उसको बिना सीटी के कुकर में। अगर आप चेक देखते हैं कि नहीं पके तो और 5 मिनट और पकाइए। ये हमारे
बिस्किट यानी कि कुकीज़ बिल्कुल ही तैयार हैं परोसने के लिए। दोस्तों ये सख्त बनते हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगी, क्योंकि ये गेहूं के आटे के बने हैं इसलिए थोड़ा सख्त बने हैं ये। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हमारे बाकी रेसिपीज़ भी चेकआउट कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा, हमारे बाकी रेसिपीज़ भी चेक कीजिएगा। दोस्तों ये इसकी पूरी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।